नजीबाबाद में दैनिक समाचार पत्र के नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दो प्रदर्शनियां चलाई जा रही थी। दोनों ही प्रदर्शनियों में कायदे कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दोनों ही प्रदर्शनी उद्घाटन के समय से ही विवादों में घिरी। प्रदर्शनी में धारा 144 के लगे होने के बावजूद भारी भीड़ एकत्रित हो गई। नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। सर्कस की आड़ में लकड़ियों द्वारा फूहड़ डांस भी हो रहा था। खुलेआम मीट बेचा जा रहा। इन सब के संबंध में प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी। यहाँ तक कि भाजपा किसान मोर्चा नगर अध्यक्ष ललित पाल ने भी इन बातों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए ज्ञापन देकर इन पर अंकुश लगाने की मांग की। विशेष बात है कि प्रदर्शनी संचालकों ने अपने अवैध कारनामों के संरक्षण के लिए भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री अशोक कटारिया से प्रदर्शनी का उद्घाटन कराया था। एक प्रदर्शनी संचालक ने और ज्यादा दो कदम आगे बढ़ते हुए एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र का सहारा लिया। इन सबके बावजूद प्रदर्शनी संचालकों पर प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई। उप जिलाधिकारी नजीबाबाद विजय वर्धन तोमर ने बताया, लगातार हो रही शिकायतों के चलते पुलिस से जांच कराई गई। जांच में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर उप जिलाधिकारी द्वारा नगर में चल रही दोनों प्रदर्शनी पर तत्काल रोक लगा दी गई। नगर के और भी नागरिकों ने उप जिलाधिकारी के इस फैसले का स्वागत किया है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से नजीबाबाद में नुमाइश चल रही है और धारा 144 लागू है, तो उस बारे में बताएंगे क्या धारा 144 लागू होने के बाद भी नुमाइश चल रही है, ये क्या कहा? मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे दो नुमाइश चल रही थी। एक कासमिया इंटर कॉलेज के पास में थी, उसको पहले परमिशन जारी थी, उसके बाद में फिर ये कोटद्वार रोड पर परमिशन जारी हुई थी। और जहाँ तक धारा 144 वाली बात है, उसमें लिखा हुआ है कि बिना अनुमति के जो है जो सक्षम अधिकारी के कोई भी भीड़ या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। परमिशन हमारे से जारी हुई थी ये, और हम लोगों ने लीगली जारी की थी और उनको शर्तों के साथ हम लोगों ने परमिशन जारी की थी। कुछ शर्तें हमारी होती है कि नुमाइश में ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। बाद में काफ़ी सारी लोगों की शिकायतें आई इस संबंध में कि वहाँ अभद्र व्यवहार किया गया है दोनों जगह पर, दोनों नुमाइशों में। उसके बाद हम लोगों ने इसकी रिपोर्ट थाने से ली और CO साहब के माध्यम से हमने रिपोर्ट प्राप्त करी है और वहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया है कि वहाँ पे कुछ जो हमारे जो शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, इसके क्रम में दोनों को उन्होंने रिकमेंड किया था कि दोनों को नुमाइश ख़त्म करने करा जाए। तो हमने इसको दोनों को यहाँ पर उनका अनुबंध खत्म कर दिया है और हमने आज जारी कर दिया आदेश कि दोनों नुमाइशों को बंद करा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी शर्तों का उल्लंघन हुआ है उसके क्रम में वहाँ पे अब थानाध्यक्ष के पास पहुँचेगी, वहाँ से उसके स्तर से चिकन रहती है। और चिकन का भी सुना जा रहा है कि चिकन भी वहाँ बिक रहा है। तब के दीनदयाल उपाध्याय के नाम से नुमाइश की परमिशन हुई है और उसके बाद भी वहाँ चिकन खुलेआम बिक रहा है, ये सब शिकायतें थी। कुछ लोगों ने कहा था कि अवैध व्यवहार किया गया, कुछ लोगों ने चिकन का वहाँ पे दुकानें लगाई गई, ये सब चीज़ थी वहाँ पे। इन्हीं सब शिकायतों के मद्देनजर पुलिस से जांच कराई गई थी और उनकी रिपोर्ट जब प्राप्त हो गई थी उसके बाद मैंने निरस्त कर दिया है, वहाँ पे दोनों अनुबंध को खत्म कर दिया गया।